फ्रेंड यहाँ पर जो है ना मम्मी ड्राई फ्रूट वगैरह है ना उसका मम्मी यहाँ पर भाभी के लिए बनाकर तैयार कर रही हैं। तो अभी तो ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं बताया है, सिर्फ जो है मखाने, बादाम और जो है मींग होती है ना जो खरबूजे के बीज होते हैं वो, ये तीन चीज़ ही बताई हैं, वो भी बहुत कम जो है घी में फ्राई करके, उसके बाद इनको जो है दरदरा सा कूट कर तब देने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं बताया। पूछा था भाई ने लेकिन मना कर दिया, और कुछ भी नहीं। और जो है अंडे वगैरह देने हैं बॉयल कर कर, और दूध वाली कोई भी चीज़ नहीं देनी है बिल्कुल भी। और जैसे गुड़ वगैरह से बनाकर भी देते हैं मावे वगैरह का, मेवा वगैरह का, तो वो भी मना कर दिया है अभी। तो बस यही चीज़ें जो हैं बनाकर उनके लिए रख रहे हैं, तो रोज़ खा लिया करेंगी ये। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि है ना कि फिर दोबारा से बना देंगे इनके लिए। तो फ्रेंड ये जो है हमारी भाभी के भैया आए हैं, तो ये बाबू का कुछ सामान लेकर आए हैं, मिलने के लिए आए हैं भाभी से और बाबू से। ठीक हो भैया? हाँ ठीक है, ठीक हूँ। हाँ ये चीकू आया मामा के साथ, मामा जी से नमस्ते नहीं करी? मामा जी से नमस्ते करा करो। और आंटी वगैरह ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा एक तो ना तबीयत भी तो ठीक नहीं रह रही ना इसकी, सर्दी वर्दी। हाँ ये होता है। खाएगा? भंडारा तो हम कहीं जाना छोड़ते हैं, भंडारा चल रहा है, भंडारी होना चाहिए तो भंडारा जोड़ो लिया है। तो ये लाया भैया बाबू के लिए, मतलब बांटने के लिए लाया है, तो इसमें लड्डू वगैरह रखकर ये बांटे जाएंगे ये सारे। हाँ तो जब पैकिंग करोगे ना तभी बना लेंगे सब। हाँ ये सब ना काफी है। मतलब तो ये भैया जो अपनी रिश्तेदारी है और जान पहचान वाले हैं जो भी, उनके मतलब लड्डू इसमें डालकर फिर जो है बांटे जाएंगे। यहाँ पे भंडारा हो रहा था ना, तो वहाँ पे सब बट रहा था, मतलब सब्जी थी और पूरी थी, मैं और भैया थे तो हम खा रहे, तो उनका जो ना एक स्टॉक था, एक बैच था, वो खत्म हो चुका था ना, तो एक लड़का खड़ा था, मतलब काफी लोग थे ना, तो एक लड़का कहता हम जो ना यहाँ टिफिन लेकर आए थे, देख रहे हो ना हम जो लेने गए थे सारे टिफिन लेकर के आए थे, तो एक लड़का खड़ा, वो पता है उसको क्या लगा, तो सब लोगों से ये कहने लगा कि चलो भाई चलो अब खत्म हो गया टिफिन आ गए। और वो लड़के को मतलब ये लगा कि वो टिफिन बांटने के, अच्छा बांटने के लिए, वो लड़के को ये लगा कि मतलब ये टिफिन जो है ना उनके घर से आए हैं लेना आए, तो कहा चलो भाई चलो सब खत्म हो गया टिफिन आ गए जाओ। और ये देखो हम एक ले आए थे इनके लिए, ये लोग खा रहे बैठ के। तो ये लोग जो है लड्डू लेकर आए हैं बांटने के लिए, तो इसकी पैकिंग करोगे आप? ना पार्सल कर देंगे ऐसे ही। कर रही हूँ के लिए। तो भैया किधर जाओगे?
अपने जितने भी खास खास लोग मेरे मिलने वाले हैं और मेरे गेस्ट वगैरह जो मेरे रिलेटिव हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके यहाँ भी जाऊँगा। और कुछ मैंने ये तो खैर अभी ये तो एस्टिमेट किए थे खुद अभी ये लड्डू के तो ये बन पाए हमने टिफिन इधर इनको बांटेंगे और उसके बाद कुछ मैंने मिठाइयों के डिब्बे बन पाए वो भी अभी मैं अभी आ रहे होंगे मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है वो देके जाएगा यहीं तो फिर उसके बाद हम वो भी देने जाएंगे ठीक है। क्योंकि हमें मिठाई की बहुत खुशी है जैसे हमें चीकू की खुशी हुई थी उस टाइम ऐसी हमें आज मिठाई की खुशी है तो दोस्तों सपोर्ट भी क्या हाल हुआ है पूरा सब। अब इसकी सफाई कौन करेगा हम लोग और ये जा रहे हैं फैला कर चलो ठीक है बिस्सू हाँ थैला में ले लो एक थैला ले लो ठीक है गाइस मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के बाय बाय बाय। अभी बेटे बच्चे नहीं जाते ना वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं बस। बन गई टिक्किया तुम्हारी बना रही है मैं आटा चुगोई करके आ रही हूं हो रही है गोभी दो एक देख बबीता बबीता देख आने ये चक्कर से हो गया। हम ये करो ना हां ये कमल है ये कमल कपड़े कपड़े निकाल के ऐसे करके ये देखो ये बैठ जाओ चाची। तो ये ना बाबू की नानी के घर से सामान आया है बाबू के लिए और हाँ ये भाभी का है तो ये भाभी का गरम सूट है और ये बाबू के कपड़े हैं तो ये जो है बाबू का कम्बल वगैरह है चीकू के कपड़े हैं ये बाबू के कपड़े हैं भाभी का सूट है और ये कुछ दालें वगैरह हैं ड्राई फ्रूट हैं और घी है और यहाँ पर ये बाबू के जो है ये पैरों की इसकी पायल हैं छोटी छोटी सी ननी ननी सी चैन है पैरों की और ये हाथों के ये हैं तो ये हैं हाथों के इसके कड़े तो ये सारी चीजें हैं बाबू की। और मम्मी वो कहाँ है चंदा सूरज वगैरह देते होते और ये हैं गले में पहनने के इसके चंदा सूरज वगैरह जो होते हैं वो हैं। तो ये बाबू की नानी के घर से सारा सामान आया है बाबू के लिए और भाभी के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह आए हैं चाची बना रही थी खाना तो चाची आई हैं मम्मी ने चाची को आवाज़ दिया दिखाने के लिए ये और वो लोग गए लड्डू बांटने के लिए जो तीनों